जीके मस्ती वन्य में आपका फिर से स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी 28 जी के पूछे गए प्रश्न 5 जनवरी 2021 प्रथम पाली में जानेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर साल मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर साल 29 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दूसरा, किस वर्ष में पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन किए, तो इसका सही आंसर है 20 जनवरी 1957 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मारे गए, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में 379 लोग मारे गए जबकि 1200 से अधिक लोग घायल हुए थे। चौथा प्रश्न है, एनपीआर का संक्षिप्त नाम क्या है, तो एनपीआर का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर है या राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो है। परीक्षा में दिए गए विकल्प के अनुसार ये आंसर दिया गया है। पांचवा प्रश्न है, न्यूरॉन का कौन सा भाग जानकारी प्राप्त करता है, तो न्यूरॉन का डेंड्राइट भाग जानकारी प्राप्त करता है। छठा प्रश्न है, सिक्किम के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो सिक्किम के वर्तमान गवर्नर गंगा प्रसाद चौरसिया जी हैं। गोवा के वर्तमान सीएम कौन है, तो गोवा के वर्तमान सीएम प्रमोद पांडुरंग सावत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है, तो चेन्नई मद्रास में जो है सबसे पुराना भारत का बंदरगाह है। नवा प्रश्न है, पेट में कौन सा अम्ल संरक्षित करता है, तो इसका सही जवाब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल को संरक्षित करता है। दसवां प्रश्न है, आधुनिक भारतीय इतिहास में खिलाफत आंदोलन का आयोजन किया गया था, तो ये किया गया था 1 मार्च 1919 को। ग्यारहवां प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो इसका सही आंसर है जांग की हड्डी। दोस्तों ये बार बार एग्जाम में पूछता है, इसे याद कर लें। बारहवां प्रश्न है, सबसे लंबा सड़क पुल भारत में स्थित है, तो इसका सही आंसर है डॉक्टर भूपेन हजारी सेतु। असम में लोहित नदी पर ढोला सदिया ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। पंद्रहवा प्रश्न है, तमिल नया साल हर साल किस दिन मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 14 अप्रैल को। ऐतिहासिक इमारत पोर्ट विलियम भारत में स्थित है, तो इसका सही आंसर है हास्टिंग्स कोलकाता में। 17वां प्रश्न है, मैग्नीशियम के दूध का स्रोत क्या है, मैग्नीशिया के दूध का स्रोत क्या है, तो इसका सही आंसर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोसाइड। 18वां प्रश्न है, जो मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी है, तो इसका सही जवाब है स्ट्रैपेडियस मांसपेशी। 19वां प्रश्न है, 1919 में इंग्लैंड में आयोजित दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। जो मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है, तो इसका सही जवाब है मस्जिद या जबड़ा मांसपेशी, सबसे मजबूत पेशी है। 21वां प्रश्न है, 21 भारत में भाषाई आधार पर पहले राज्य का आयोजन किया गया था, तो ये किया गया था आंध्र प्रदेश को। यूएनओ के 8वें महासचिव हैं, तो इसका सही आंसर है के आई चांद प्रतिबंध। 23वां प्रश्न है, जिन्होंने केसर के रंगों पुस्तक को लिखा, तो इसका सही आंसर है साबान नकवी, जो केसव के रंग की पुस्तक को लिखे हैं। 25वां प्रश्न है, रक्तदाता दिवस हर साल मनाया जाता है, तो रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। प्रसिद्ध बृहदेश मंदिर द्वारा बनाया गया था, तो ये बनाया गया था राजा
राजा राजराजा चोल राजवंश के द्वारा। अगला प्रश्न है, CAA हाल ही में समाचार में था, इसका पूर्ण रूप है? तो इसका सही आंसर है नागरिकता संशोधन अधिनियम। 8वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, जब एक नीति वचन दिया गया था, आया राम गया राम राजनीति में दी गई थी 1967 को। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ये सब करना बिल्कुल फ्री है।